दोस्तों, अगर आप भी मेरी तरह SBI का ये जो ATM कार्ड है, डेबिट कार्ड मंगवाना चाहते हो, अप्लाई करना चाहते हो, तो कैसे अप्लाई कर सकते हो अगर आप योनो ऐप यूज करते हो तो SBI की, तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस भी दिखाऊंगा कि SBI की जो योनो ऐप है उसके माध्यम से डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड कैसे अप्लाई करते हैं। बस वीडियो में बने रहिए, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हर बार की तरह नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूं मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको जो है कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखा देता हूं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके मोबाइल में जो योनो SBI ऐप इंस्टॉल है उसको ओपन कर लेना है। तो चलिए यहां पे आपको मेरे मोबाइल की स्क्रीन दिख रही होगी, यहां पर मैं SBI योनो जो ऐप है उसको ओपन कर लेता हूं। और जैसे आप ओपन करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, लॉगिन, व्यू बैलेंस, क्विक पे। तो यहाँ पर आपको लॉगिन का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करना है। लॉगिन का ऑप्शन जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन आ जाएंगे, एम पिन और यूजर ID। अब अगर आपने एम पिन सेट कर रखी है तो यहाँ पर आपका जो एम पिन नंबर है वो मेंशन करके लॉगिन कर लेना है, अदरवाइज आप यूजर ID पासवर्ड से भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैंने एम पिन जो है सेट कर रखा है वो मैं मेंशन कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे आप सक्सेसफुली लॉगिन कर लेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखेंगे तो आपको जो है चार लाइन देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको प्रेस करना है। और इस पर जब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है सर्विस रिक्वेस्ट का। तो ये जो सर्विस रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करना है। और जैसे इस पर आप प्रेस करेंगे इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है सर्विस रिक्वेस्ट का जो है सेक्शन आ जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है ATM डेबिट कार्ड का ये जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस करना है। तो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आपसे प्रोफाइल पासवर्ड पूछेगा, तो यहाँ पर आपको जो है अपना प्रोफाइल पासवर्ड मेंशन कर देना है। और उसके बाद आपके सामने यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा ATM डेबिट कार्ड। और यहाँ पर आपको जो है काफी सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि ब्लॉक कार्ड, मैनेज कार्ड, रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट, एक्टिवेट कार्ड। तो यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट न्यू रिप्लेसमेंट का जो ऑप्शन है इस पर आपको प्रेस करना है। तो चलिए रिक्वेस्ट न्यू जो रिप्लेसमेंट का जो ऑप्शन है इस पर मैं प्रेस कर देता हूँ। और जब इस पर प्रेस करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, न्यू डेबिट कार्ड, और यहाँ पर सेलेक्ट अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा। और यहाँ पर एक बॉक्स है प्लीज सेलेक्ट, इस पर प्रेस करके आपको अपना बैंक अकाउंट जो है सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर नेम ऑन कार्ड, यहाँ पर आपको अपना नाम मेंशन कर देना है। और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट द टाइप ऑफ कार्ड, और यहाँ पर प्लीज सेलेक्ट, इस पर आपको प्रेस करना है। और जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो आपके सामने जो है काफी सारे कार्ड के नाम आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कार्ड सेलेक्ट कर लेना है, कौन सा कार्ड आपको मंगवाना है, रुपए क्लासिक मंगवाना है, वीजा क्लासिक मंगवाना है। तो यहाँ पर मैं जो है रुपए क्लासिक का जो ऑप्शन है ये कार्ड मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पर कार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पर देखिए सेलेक्ट एड्रेस फॉर डिस्पैच, और यहाँ पर आपका एड्रेस दिखा देगा कि ये जो कार्ड है आपको कहाँ पर मंगवाना है। तो यहाँ पर आपको जो है अपना एड्रेस जो है सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे ही एड्रेस सेलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पर आई हैड रीड एंड अंडरस्टूड का जो ऑप्शन है इसके अगर एक छोटा सा बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है। और जब इस पर टिक करेंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट का ऑप्शन पर जैसे प्रेस करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, मोबाइल नंबर पर OTP यहाँ पर मेंशन करना है एंटर OTP के सेक्शन में। OTP नहीं आता है तो यहाँ पर देखिए रीसेंड OTP का ऑप्शन है, इस पर प्रेस करके दोबारा से OTP मंगवा सकते हो। और यहाँ पर लिखा है कि इफ योर फोन नंबर इज डिफरेंट फ्रॉम SBI रिकॉर्ड, अगर आपका मोबाइल नंबर कोई दूसरा है तो आपको फिर जो है SBI का जो ब्रांच है वहां पर जाकर अपना फोन नंबर अपडेट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो OTP मेरे पास आ गया है, OTP यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं। और जैसे OTP नंबर मेंशन करेंगे उसके बाद सबमिट के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे, और उसके कुछ सेकंड के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह से दिखा देगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू, वी विल बी प्रोसेसिंग यूर कार्ड रिक्वेस्ट विद रेफरेंस नंबर, यहां पर आ जाएगा शॉर्टली, और यहां पर ओके रहेगा, यानी कि आपकी जो रिक्वेस्ट है डेबिट कार्ड की वो सबमिट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। और 1 वीक के बाद आपके घर पर जो एड्रेस आपने सेलेक्ट किया है वहां पर SBI की तरफ से जो है भेज दिया जाएगा। अगर आपके घर पर नहीं आता है तो आपको अपने जो SBI की जो ब्रांच है वहां पर विजिट करना है, वहां से भी आप ले सकते हो। तो दोस्तों, इस तरह से आप भी जो है SBI की जो योनो ऐप है उसके माध्यम से अपना ATM कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड जो है मंगवा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। और जब अप्लाई कर देंगे 7 से 10 दिन में आपका जो एड्रेस रहता है जो आपने सेलेक्ट किया था उस पर जो है पोस्ट के द्वारा यानी कि डाक के द्वारा जो है आपके घर पर डिलीवर हो जाएगा, अदरवाइज जो है आपकी जो ब्रांच रहती है वहां पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आशा करता हूं आपको जो एक नई जानकारी मिली होगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, क्या फीडबैक है कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके जरूर बताना।
मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ इस तरह की हेल्पफुल और स्टूडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।